करनाल जिलाध्यक्ष निशांत कुमार यादव ने हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी आदेशों की पालना के तहत कोविड-19 महामारी से बचाव और सुरक्षा के दृष्टिगत दंड प्रतिक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत रात्रि 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक व्यक्तिगत आवागमन को लेकर निषेधाज्ञा लागू करती है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति अपना घर नहीं छोड़ना, ना ही सड़क पर पैदल और ना ही वाहन से यात्रा करते हुए सार्वजनिक जगहों पर घूम सकेगा। डीसी द्वारा जारी आदेशों में कहा गया कि इस दौरान कुछ व्यक्तियों व सेवाओं को छूट रहेगी। इसके तहत जो व्यक्ति कानून और व्यवस्था में लगे हैं, आपातकाल व निकाय की सेवाएं, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, पुलिसकर्मी, मिलिट्री, वर्दी में CSPF कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, विद्युत अग्निशमन, मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मी और ऐसी सरकारी मशीनरी जो कोविड-19 से संबंधित ड्यूटी पर लगी है, सभी पहचान पत्र दिखाने पर सभी को छूट रहेगी। इसी प्रकार से आवागमन प्रतिबंधित कर्फ्यू में संबंधित SDM के द्वारा जारी किए गए पास होल्डर को भी छूट रहेगी। अंतर्राज्य और राज्य से बाहर जरूरी व गैर जरूरी सामान ले जाने के रोक रहेगी। सभी वाहन व व्यक्तियों को राज्य में और राज्य से बाहर आवागमन रहेगा, लेकिन छूट प्रस्थान से लेकर गंतव्य तक की वेरिफिकेशन के बाद ही मिलेगी। अस्पताल, दवाई की दुकानें व ATM 24 घंटे खुले रखेंगे जाएंगे। गर्भवती महिलाएं और दवाई व स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के रोगियों को छूट रहेगी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन व ISBT पर जाने व वापिस आने वाले यात्रियों को भी इसकी छूट रहेगी। जिलाधीश के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक, जिला निकाय आयुक्त, सभी SDM, कोविड-19 के सभी मजिस्ट्रेट, सभी थानाध्यक्ष इन आदेशों की पालना करवाने के लिए जिम्मेवार होंगे। आदेशानुसार जो व्यक्ति आदेशों की अवहेलना करता पाया गया, उसके विरुद्ध राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के सेक्शन 51 से 60 IPC की धारा 188 और इससे जुड़े दूसरे प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल लागू होकर आगामी आदेशों तक प्रभावी होंगे। विशेष तौर पर पॉइंट्स पर चर्चा हुई है। इसमें हमने सारे जो SHOs हैं और ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स हैं, इनको हिदायतें दी हैं। एक तो आज 9 बजे बाद सारे लोग फील्ड में रहेंगे, वो गश्त भी करेंगे, फ्लैग मार्च करेंगे। मैं और SP साहब हम खुद जो है अलग अलग मार्केट्स में, शहरों में, बड़े गांवों में गश्त करेंगे, फ्लैग मार्च करेंगे। उनको ये भी कहा गया है कि जो मेन एस्टेब्लिशमेंट्स हैं हमारे, चाहे वो दुकानें हैं, ढाबे हैं, होटल्स हैं, बैंकेट हॉल्स हैं, मैरिज पैलेसेस हैं, इन सब के जो ओनर्स हैं अपने अपने एरिया में उनके साथ बैठक कर लें और उनको ये सख्त डायरेक्शंस दे दें कि 9 बजे से पहले पहले उनको वाइंड अप करना है। फिर भी अगर किसी की मूवमेंट नज़र आती है तो उस पर जो भी कार्रवाई बनती है नियम के हिसाब से वो कार्रवाई करेंगे, चाहे वो चालान हो, चाहे वो FIR दर्ज कराना हो। इसके अलावा हमने उनको ये भी कहा है कि जो इसमें अलाउड एक्टिविटीज़ हैं, जो मूवमेंट्स हैं, उनका विशेष ध्यान रखें। अगर कोई मेडिकल पर्सनल है वो मूव कर रहा है, अगर किसी को मेडिकल केयर की रिक्वायरमेंट है, पेशेंट है, वो कहीं जा रहा है, उनको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। सर, कई बार देखा जाएगा कि फैमिलीज़ के कुछ लोग जो है कहीं बाहर फंक्शन के लिए गए हैं, 9 बजे वहाँ से निकलते हैं तो 10, 11, 12 बज जाते हैं। अगर फैमिली के साथ वो आ रहे हैं तो उनको उनका रीज़न जानकर जाने दिया जाएगा? देखिए, अगर कोई किसी की इमरजेंसी है तो बिल्कुल जाने देंगे, लेकिन मैं सबसे यही आग्रह करूँगा कि जो भी फंक्शन वगैरह में आप जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, क्योंकि ये स्टेट वाइड लॉकडाउन है, नाइट कर्फ्यू है, तो उसमें अगर आप शहर से, ज़िले से बाहर जाते हैं तो अगर 9 से ज़्यादा हो गया तो आप वहीं रुक जाएँ, या अगर आप उस हिसाब से टाइम लेकर के जाएं ताकि 9 बजे वापस पहुंच सकें। तो दूसरा, इसकी अगर बहुत ज़्यादा हम एग्जेम्पशंस करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं इसकी सीरियसनेस खत्म हो जाएगी। बाजार किस वक्त बंद होंगे? बाजार हम चाहेंगे एक बार व्यापारी एसोसिएशन से मीटिंग हमने करनी है। 8:30 बजे का टेंडेटिव हमने हिदायतें दी हैं कि 8:30 बजे से बाजार बंद होने शुरू हो जाए, ताकि जो लोग बाजार में काम करने वाले लोग हैं वो भी, और जो खरीदार हैं वो भी 9 बजे तक अपने घर। सर, मैरिजेस के बाद जब फेरे होते हैं तो कुछ 5-7 परिवार के लोग उसी रिजॉर्ट में या बैंकेट हॉल में रहते हैं, तो उनको तो इजाजत दी जाएगी? अगर कोई वहाँ स्टे करता है कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर वहाँ से कोई मूवमेंट है वो अलाउड नहीं है। सर, अब नवरात्र लग चुके हैं, जब जगराते भी होंगे, ऐसे में सर क्या कुछ नहीं? बिल्कुल बैन है किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि हो, राजनीतिक हो, चाहे कल्चरल हो, स्पोर्ट्स हो, सोशल हो, सारी गतिविधियां 9 बजे बाद बंद। सर, शादियां जो पहले बुक हो चुकी हैं और रात की शादियां हैं, बैंकेट हॉल में एडवांस भी दिया और दिन और रात की शादियां बुक कर देते हैं उसी बैंकेट में, दिन की भी होती है रात की भी होती है, तो उन लोगों के लिए? उनके लिए उनसे यही आग्रह रहेगा कि वो जो अगर हो सकता है तो दिन में करें, रात में करनी है तो 9 बजे से पहले पहले समाप्त करें। 9 बजे बाद कोई भी जो जरूरी काम चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनको छोड़ करके कोई भी गतिविधि अलाउड नहीं हो। सभी जागरण पार्टी वाले इकट्ठे हो रहे हैं, आपसे मुलाकात करने आ रहे हैं, ज्ञापन देने आ रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? उनसे यही कहना चाहेंगे कि अपना जो जागरण वगैरह है, एक तो जो सरकार की पहले रूल्स हैं कि यानी 200 से ज़्यादा की गैदरिंग नहीं रखनी, या अगर कोई हॉल में करा रहे हैं तो उसकी 50% कैपेसिटी, उससे कम लोग रख रहे हैं, नंबर 1।
नंबर टू वो अपना जागरण 8:30 तक समाप्त कर दें ताकि 9 बजे तक लोग अपने वापस घर जा सकें। सर रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू है, तो प्रशासन किस तरह से काम करेगा? प्रशासन उसमें गश्त करेगा, हम राउंड्स लेंगे, चेकिंग्स करेंगे, हमारे जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट SHO SDM DSP सारे फील्ड में रहेंगे, मैं और SP साहब हम खुद फील्ड में रहेंगे। और शुरू के पर्टिकुलरली कुछ दिन, चूँकि लोगों को इसकी आदत डलने में समय लगता है, तो शुरू के दिन ज़्यादा जो है इस पर एहतियात बरतते हुए ज़्यादा इस पर जोर रहेगा। तो बिल्कुल आपने देखा कि करनाल पुलिस से सर लोगों से क्या कुछ अपील करेंगे? ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक